सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं हेयर्स। एंड ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। आप सब लोग मुझे बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ बेसिक या कोई भी चीज़ जो अपन सीख सकते हैं इजीली वो लेके आओ। और मैंने हेयर्स का एक्चुअली मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। सो, मैंने सोचा कि पहले ये डाल देता हूँ और फिर मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से। सो लेट्स स्टार्ट, और आप लोग इसको देखो वीडियो को सही से, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें हेयर्स को ड्रॉ, वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करो एंड ड्रॉ करो। सो, इसमें सिंपल सा है पहले कि हेयर्स को अपन, मैं इसमें शेड्स बताए मोस्टली, मैंने हेयर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताऊँगा मैं जो दूसरा वीडियो होगा इसका। तो इसमें क्या है कि अपन ने हेयर्स को ड्रॉ करने के बाद मेन क्या होता है शेड्स, तो अपन 2B और HB से अपन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो सबसे मेन चीज़ें होती है HB और 2B, उससे आप पहले ड्रॉ करो सिंपली, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। और मैंने ये 2B से किया है पूरा, लाइक सिंपल सी शेड्स जो हेयर्स की होती है एंड जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स है या फोटो में जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप हेयर्स को ड्रॉ करो। एंड आप थोड़ा सा शेड भी कर सकते हो उसके बाद अपने हैंड से उसको लाइक ब्लेंड कर दोगे तुम, तो वो थोड़ा सा नेचुरल वे में हेयर्स आ जाएंगे। अभी क्या करेंगे उसके बाद, जैसे मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ स्टम्प पेपर से, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि 3B या 5B पेंसिल लेके उसको अपन फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और शेड देंगे। कैसे देंगे, नीचे से और ऊपर से जो बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ देंगे ताकि उसमें शाइन आ सके। जैसे तुम्हारे जो भी फ़ोटो हो तुम बना रहे हो उसमें जैसे भी हाईलाइट्स है जहाँ पर, तुम वैसे भी दे सकते हो जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ, और तुम अलग तरीके से ऐसे भी दे सकते हो, बट वो अलग तरीका मैं किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊँगा। अभी जैसे मैं आप देख रहे हो उसके अंदर मैं ऊपर से नीचे से हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड बीच में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट छूट रहा है, एंड मतलब लाइक इतना भी नहीं छोड़ना, पूरा ही छूट जाए। सो, आगे अपन क्या करेंगे कि इसमें अपन लाइक वही चीज स्टेप्स करेंगे, जो डार्क एरिया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे एंड लाइट एरिया को थोड़ा सा हल्का सा छोड़ देंगे, नीचे से लाइंस ला के फिर बीच में उसको थोड़ा सा हल्का प्रेशर डाल के छोड़ देना, फिर ऊपर से ला के, जैसे मैं आपको आप लोग देख रहे हो वीडियो में मैं हेयर्स को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे से और फिर ऊपर से, तो वो जो बीच में जो हाइलाइट्स बच जाती है ना, वही जो हेयर्स के हाइलाइट्स होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है जब वो वहाँ पर शुरू होती है। एंड अभी जैसे लास्ट जो जहाँ से हेयर शुरू होते हैं ना, अपन वहाँ से भी थोड़ा सा हेयर्स को बनाएंगे और उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे और थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि मतलब दिखे उसमें कि हेयर्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं एकदम से, नहीं कि यहाँ से एकदम से हो गए एक साथ से, वो थोड़े अलग अलग हेयर्स दिखते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिखना। सो, गाइस, इसी तरह अपन कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने हेयर्स की फर्स्ट लेयर HB या 2B से बनाई थी, और सेकंड लेयर में 4B 3B या 5B, अपन तीनों यूज़ कर सकते हैं आपकी अकॉर्डिंगली, मतलब आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा 5B या 3B, और जो लास्ट जो डार्केस्ट पार्ट होता है जो लास्ट स्टेप है वो मैं आगे बताऊँगा, उसमें अपन 8B या 6B या 10B भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अपनी ये जो सेकंड लेयर थी वो कंप्लीट हो गई है, और अभी मैं 8B पेंसिल यूज़ करूँगा जो कि डार्केस्ट पार्ट और जो बीच में जो डार्क पार्ट होते हैं या हेयर्स को थोड़ा अलग अलग करते हैं, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहे होंगे स्केच में कि हेयर्स की जो अलग अलग लाइंस है वो उसको और डार्क करने के लिए, हेयर्स को और अच्छा फिनिश देने के लिए 8B का यूज़ करते हैं अपन, और काफ़ी
आराम से करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको लाइक ए पेंसिल यूज़ कर देंगे, बट पेंसिल यूज़ तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको लाइक ए हेयर यूज़ करेंगे, हेयर्स के डायरेक्शन है। अभी जैसे मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, यू नो। तो ऐसे ही अपन ब्लेंड कर सकते हैं। और अभी लास्ट में अपन मोस्टली क्या करेंगे, हाइलाइट्स थोड़ा सा और देने के लिए, जिससे और भी ग्लो आए, अपन मोनो इरेजर यूज़ करेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सब कुछ करना है, हेयर्स की शेड्स देनी है और लाइट देनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक दिस वीडियो।